नमस्कार सब सुश्रीकाल की हाल चाल आई एम होस्ट द सुपर वेलकम टू माय चैनल सुपर व्लॉग और वेलकम टू अनदर पुरुलिया व्लॉग। तो आज हम लोग पुरुलिया जा रहे हैं बट ट्रेन से जा रहे हैं। मेरी वाइफ अभी रेडी हो रही है पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हम लोग टोटल 13 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, जीजू भाई, मेरा साला, सब मिलकर हम लोग जा रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी फैमिली ट्रू। जो जो सीन हम लोगों ने देखा था पुरुलिया में वो फिर से हम लोग कवर करेंगे और अदर देन दिस और भी साइट्स हैं वहाँ पे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। गाड़ी बुक हो चुका है, गाड़ी आने वाला है, तो तुरंत लगेज को लोड करते हैं फिर निकलते हैं क्योंकि हमारा 12 बजे की ट्रेन है। 18013 ट्रेन का नंबर है, हावड़ा टू बोकारो स्टील प्लांट, ये उसका एक्सप्रेस है तो वो जाएगा। तो 12:05 पे डिपार्चर होगा हावड़ा स्टेशन से एंड जो अराइवल है वो है सुबह के अराउंड 5:30 के आसपास। तो प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी लेट, मे बी 7 बजे तक होप से पहुँच ही जाएंगे हम लोग आद्रा। तो वहाँ से फिर हम लोग बाइक आ जाएंगे पुरुलिया जहाँ पे हमारा स्टे है। तो सब अपडेट देते रहेंगे, तो यहाँ से रखते हैं और देखते रहिए व्लॉग को। हाय दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं पुरुलिया जंक्शन में, देख सकते हैं हम लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। पीछे से सारे लोग आ रहे हैं एकदम थक हार के क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे सुबह 6 o'clock के आसपास आद्रा। फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ा पुरुलिया आने के लिए क्योंकि लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ा वहाँ से। तो मुश्किल बहुत ही हुआ है, बहुत ही थक चुके हैं, रात भर सोए नहीं हम लोग। तभी जाके होटल में फ्रेश होके फिर हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए। रियल स्ट्रगल चल रहा है अभी के लिए आने में, एकदम इतना सीढ़ी चढ़ के आना है, बोला अगर ये लोग आप चढ़ नहीं पाएंगे तो जॉयचुंडी ये सब पहाड़ पे हम लोग जब जाएंगे तो और थोड़ा स्ट्रगल होने वाला है। तो अभी जस्ट शुरुआत है, मज़ा भी और बाकी है। दोस्तों जयचंडी पहाड़ पे चढ़ के हम लोग आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ उसको देखिए क्योंकि मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया, इतना भीड़ था आप लोगों को क्या बताओ, मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। वो पहाड़ चढ़ने में कम से कम अपने को आधा घंटे के ऊपर लग गया, इतना भीड़ है लोग उधर बैठ जा रहे हैं तो बहुत ही क्लमजी है। लास्ट टाइम आया था बहुत खाली था, बहुत अच्छे से मैं जयचंडी पहाड़ को इन्जॉय कर पाया था, बट अभी एकदम अच्छा नहीं है। अगर मैं सजेशन दे रहा आप लोगों को, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो नॉर्मली थोड़ा सा ऑफ सीजन में आइए तो जाके ये जो सुंदरता आप उसका मज़ा ले पाएंगे। अभी क्या है लोग इतने हैं, इतना सुंदर जगह को मज़ा नहीं आ रहा, चारों तरफ चिप्स का पैकेट, बॉटल ये सब फेंका हुआ है तो एकदम गंदा बना चुका है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्रॉपर डस्टबिन जो है वो यूज़ कीजिए यहाँ पर। और बाकी देखते हैं कितना यहाँ पे साइट सीइंग कवर हो पाएगा। अभी सेम हम लोग देखेंगे बोरमती, गॉड पंचकोट, फिर पांचे डैम, तो ऑलमोस्ट अभी 2:30 बज चुका है। लंच करके फिर ये सब साइट्स भी कवर करना है और देखते हैं कितना टाइम हो पाएगा क्योंकि अभी क्या मेले की वजह से कार बहुत दूर पार्क करना पड़ रहा है और बहुत चल के जाना पड़ेगा लोगों को 1-1.5 किलोमीटर को वॉक यहाँ से और पीछे नॉइज भी ज़्यादा है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अयोध्या हिल टॉप पे, अभी यहाँ से हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है, यहाँ से जो रोड का व्यू है और जो हिल का व्यू है वो हम लोग दिखाएंगे और बहुत ही ऑसम व्यू है। मैं जब आया था तो शाम का टाइम था तो वो अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाया था, बट अभी सुबह के टाइम में लगभग सुबह हो रहा है 10:30 तो व्यू बहुत ही ऑसम लगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मयूर पहाड़ में। ये स्पॉट मैं जब लास्ट टाइम आया था वो देखा नहीं था, मिस हो गया था मैं से, बट आज मैं दिखाऊंगा। तो अभी धीरे धीरे ऐसे स्लाइड चढ़ते हुए जाना है। यहाँ से एक्चुअली बहुत ऑसम व्यू मिलता है पूरा, आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा यहाँ से क्योंकि पूरा टॉप व्यू से नीचे जो अयोध्या हिल का जंगल है वो दिखेगा।
दोस्तों अभी हम लोग देखने हैं दुर्गा फॉल्स, तो लगभग हो चुका है 2 बजे, तो अभी जाएंगे दुर्गा फॉल्स देखने के लिए। लास्ट टाइम मैं आया था तो ये जगह जो है स्किप कर गया था क्योंकि नज़र में आया नहीं था, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि दुर्गा फॉल्स मिस हो गया, बट आज हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो ये वाला था एडवेंचरस से मज़ा आएगा देखने में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दुर्गा फॉल्स में, आने में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर से एकदम खराई सा था आने में, तो मज़ा आया। तो बूढ़ों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और जो बच्चे और थोड़े से मिडिल एज वाले हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, जो जवान लोग हैं उनके लिए एकदम इशू नहीं क्योंकि एकदम खरा सा है, तो जाने में थोड़ा सा पैस भी हो सकता है। तो जो अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर दुर्गा फॉल्स में तो संभाल के आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं मेरे पीछे दुर्गा फॉल्स है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लास्ट टाइम मिस हो गया था तो इस बार कोई मौका नहीं दूंगा, ये आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग देखिए कैसे लग रहा है बताइए। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं अपर डैम में, ये मैं लास्ट टाइम नहीं देखा था क्योंकि टाइम नहीं होता, बट इस बार मैं ये कवर कर लिया हूँ फाइनली, और बहुत ही अच्छा जगह है। और अभी शाम को ऑलमोस्ट 4 बज चुका है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही माइल्ड ब्रीज है और ठंडी लग रहा है हल्का हल्का, बहुत ही ऑसम लग रहा है, सूरज भी इतना नहीं है और जो व्यू है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो सिनेमैटिक्स में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का जो व्यू है कैसा लगता है, और बहुत ही ऑसम है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्लेस। बट एक चीज़ है, अभी टोटली टूरिस्ट सीजन का टाइम है तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, मतलब बहुत क्राउडेड है। मैं आपको पर्सनली रेफर करूँगा कि आप लोग वीक डेज में आइए तो थोड़ा सा आपको भीड़ कम मिलेगा और आप लोग ये जो जगह है वो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, अभी हो चुका है संडे 31st, तो आज हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं पुरुलिया से। तो पुरुलिया टूर में मज़ा ठीक ठाक आया, जो जगह मैं छूट गया था तो वो सब जगह हम लोगों ने कवर किया, और सेम जगह पे हम लोगों ने रिपीट किया तो वो वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। अगर नहीं दिखाया वो वाला ब्लॉग पुरुलिया का तो आई बटन पर है, वो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए क्योंकि बाकी जो स्पॉट्स उसमें हैं, और जो स्पॉट्स नहीं कवर हुआ था तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ कवर कर लिया, तो मोर ऑर लेस टूर ठीक ठाक था। इस बार हम लोग एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू आए थे, उसका नाम है पुरुलिया दर्शन, तो सेटिस्फैक्ट्री उनका परफॉर्मेंस था, थोड़ा बहुत जगह छूट गया हमारी वजह से, उनकी भी गलती की वजह से, एंड होटल सेटिस्फैक्ट्री है। होटल पुरुलिया जंक्शन से बस 10-15 मिनट की दूरी पर, होटल लैंडमार्क, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। मैं रेट पूछा नहीं, बट यू कैन, मैं उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डेफिनेटली दे दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टूर जो था ठीक था, फैमिली के साथ आने में तो बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ही मज़ा आया था, और फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेन से, और रास्ता और बहुत ही अच्छा था, बट एक ही चीज़ है, अभी पूरा टूरिस्ट सीज़न है तो बहुत क्राउड था, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है क्योंकि हर जगह पे एकदम इतने लोग थे, क्या बताओ आपको। तो अगर आप लोग ऑफ सीज़न में थोड़ा आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा वो बेटर है, और वीकडेज में भी आ रहे तो आप जगह का अच्छे तरीके से घूम सकते हैं और जगह का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इतना लोग आने पर जो जगह का सुंदरता है वो एकदम ख़राब हो चुका है।
क्योंकि मैं जब आया था एकदम खाली खाली देखा था, हर स्पॉट बहुत अच्छा लगा था, बट अभी आके वो वाला मज़ा नहीं है, ऐसा क्राउडेड फील हो रहा था बहुत ही। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, रेड बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए, और घंटी दबाना मत भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अपना ध्यान रखिए, बाय।